इस वक्त मैं इस वक्त हम सिविल अस्पताल रस्का में मौजूद हैं। मैं हूं अनवर सरदार भंगू 51 न्यूज़ से। मैं 51 न्यूज़ में आपको खुश आमदेद कहता हूं। शेख रजवान साकिर साहब जो कि पबन बजर साहब फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर हैं और 51 न्यूज़ के डायरेक्टर भी हैं। आइए देखते हैं कि ये उनका झगड़ा हुआ है, किसी ने उनको बड़े जालमाना तरीके से जबरदस्ती किया है। आए हम सर्जिकल बार के सामने मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं कि क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम शेख सर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? शेख साहब, मैंने ये जब सुना तो मुझे बड़ा शॉक लगा कि आप शरीफ आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, आपकी फैमिली बहुत जेंटल फैमिली है, आपका तो इन लड़ाई झगड़ों से कितने क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर साहब, मैं ना ट्रैफिक में जा रहा था काम को करवाने के बाद, तो एक पुलिस गाड़ी आई है मेरे सामने, उसमें तीन लोग बैठे हुए थे। तीनों ने उतर के वो पुलिस से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो उतरा है गाड़ी से और उसने बस पता नहीं क्या चीज़ पकड़ी थी आदमी, उसने मुझे मारा उससे। क्यों मारा उन्होंने आपको, क्या मसला हुआ? वो भी गाड़ी में थे, आप भी गाड़ी में थे? वो भी गाड़ी में थे, मैं भी गाड़ी में था। मैं उनको मैंने देखा भी, मैंने था उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी मेरा नहीं है। पता नहीं क्या वजह बनी उनको, क्या सूझी है, किसने भेजा उनको, ये मुझे नहीं पता। बहर गाड़ी के सामने आए हैं और उतर के उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तीनों लोगों ने मुझे पकड़ा और जो ड्राइवर है उसने, तीनों लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ था। एक ने जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने मुझे मारा। कोई वजह तो होगी ना, क्या कह रहे थे वो आपको जब मारे, तो क्या कह रहे थे? वो जो थाना में उसने बोला वो बस उसके साथ मेरी गाड़ी लगी है। कोई धमकियाँ लगा रहे थे आप? धमकियाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने दी है कि आपको मारेंगे, आपको जान से मार देंगे आपको, पता नहीं क्या वजह उनको। इसका मतलब है कि ये किसी के माँ पर आपको आपके पास तशद्दुद कर रहे थे? मुझे तो इनके पीछे ये काट लग रहे हैं कि शायद झगड़ा जो मेरा जो नहीं उनके साथ। अच्छा, तो रीज़न तो मुझे अभी तक ये कुछ समझ नहीं। वहाँ कोई लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने आपको छुड़ाया हो? नहीं, वो इलाका जो मामलेदार था जो उन्होंने आगे छुड़ाया, लेकिन तब तक उन्होंने जो मेरे दोस्त के ऊपर पता नहीं वो गाड़ी चीज़ निकाली है वो मार चुके। किसी से मदद मांगी या 15 पे कॉल किया आपने? मैंने 15 पे कॉल की है। पुलिस आई या नहीं आई? 15-20 मिनट के बाद पुलिस आ गई थी उधर। पुलिस 15 मिनट हाँ, तो वो लोग पकड़े गए अभी थाने के अंदर। अच्छा, थाने के अंदर में? ठीक है। और ये आपको नाक पे चोटें लगी हैं? चोटें तो नाक पे जाहिर लगी है, वैसे पूरे जिस्म के ऊपर। पूरे जिस्म पर ज़्यादा को किया है? बहुत ज़्यादा किया होना, तो पूरे जिस्म के ऊपर। ये आपकी शर्ट पे खून के धब्बे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नोज़ से खून निकला है और काफ़ी देर तक। नाज़रीन, आपने देखा कि आज का शरीफ शाहियों की इज्जत मजूमिया शेख रजवान साकिर साहब जो है शेख मकसूद साहब के बेटे हैं, ये बिजनेस मैन हैं और सहाफ़ी भी हैं, लोगों की वेलफेयर का काम भी करते हैं, एक NGO भी चला रहे हैं। लेकिन ये बड़ी जुल्म की बात है किस तरह के शरीफ आदमी को और शरीफ शहरी को लोग पता नहीं किसी के माँ पार या क्यों मारें। जहाँ गाड़ी की बात का लगने का तो ये आए दिन का मामूल है, थोड़ा बहुत रोड पे हो जाता है तो लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। बहरहाल मेरी डीपीओ सियालकोट DSP डस्का और SHO डस्का थाना सिटी से गुजारिश है कि इन मुलजमान को जो इन्होंने एक शरीफ आदमी के साथ ज़्यादती की है उसकी इन्हें जो कानून के मुताबिक जो सजा बनती है उसकी सख्त से सख्त सजा दें और इन्हें ऐसे ना जाने दें। और शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि आप अगर कोई आपका तल्लक वासे वाला आ जाता है, लोग बंदे डालते हैं, कोई सुलहनामा राजीनामा कर लेंगे अभी आप? देखिए, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, ऐसे बंदों के लिए राजीनामा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, मैं नहीं समझता कि आपके दिल में कोई ऐसा कि आप उनसे कोई बदला लेंगे, लेकिन आप शरीफ आदमी तो कानूनी कार्रवाई करता है। जिस कानूनी कार्रवाई ही चाहता हूँ मैं, बदला इसलिए लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं उन्होंने किया क्यों इस तरह। सही, मैं डीपीओ साहब आपसे मैं कहूँगा कि डीपीओ साहब इसका नोटिस लें, SHO डस्का जो है इसकी कार्रवाई जो कानूनी पाती है करवा करें। DSP डस्का साहब से मेरी गुजारिश है कि शरीफा की जो पगड़ी ना उछालीजिए, उनको जो इस तरह इंसल्ट ना की जाए और उनका वकार और इज्जत ख़राब ना किया जाए, कानून की बालादस्ती होना चाहिए और पुलिस को अपना अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। मुझे भी यही उम्मीद है डीपीओ साहब से। जी, अल्लाह का उनके साथ रिक्वेस्ट भी है मेरी, वो कानून के मुताबिक जो है ना वो उनको सजा दें, ताकि मेरी दादा से। जी, ठीक है शेख साहब।